शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साला ये खुफिया पुलिस का कुछ करना पड़ेगा। यस बॉस। साले बिना हाथ धोए मेरे पीछे पड़ गए। यस बॉस। मैं जो कहूंगा करोगे? यस बॉस। मार। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, मुझे नहीं उन दोनों को मार डालो। यस बॉस। मुझे पता नहीं कैसे मार डालो लेकिन खत्म कर डालो उन दोनों को। यस बॉस। अगर उनके बीच में कोई आता है तो उसे भी मार डालो। यस बॉस। Officer, did they say anything? They say they don't know anything. I know they know everything. Officer! इससे पहले कि मैं बताऊं कि ये कुर्ता किसका है, आप लोग बता दें तो अच्छा होगा। मालूम नहीं। ये तो जानते हो ना ये किसका है? अरे ये तो बाबला की चेन है। चेन मेरी है लेकिन कुर्ता मेरा नहीं है, कुर्ता अपने सेठ जी का है। मेरा ही कुर्ता है लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया। कुर्ते पर खून के धब्बे कैसे आए? गोली चलाई नहीं इसे तो। हम लोग सबने मिलके किया, अभी ये लोग मेरे पे इल्जाम डाल रहे हैं। मैं समझाता हूँ क्या हुआ। कमिश्नर साहब जो भी समझना है समझाना, पुलिस स्टेशन में अरेस्ट देम। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अरे मुझे खुद पता नहीं, ये काम का इनको मैंने वेलकम वेलकम किया, मुझे शो करना नहीं चाहिए। खा रहे हो इतना सा भी दूसरों को नहीं दोगे क्या? अरे पहले मैं तो खाऊं, बहुत कड़क है ये। अबे पागल है ये बॉम्ब है। जल्दी भागो, जल्दी जल्दी आओ सेठ जी, सो मत, जल्दी आओ। वो बॉम्ब कहाँ से आया? वो आदमी ने अच्छा थोड़ा खा के मेरी तरफ फेंका, मुझे लगा सीताफल है यार। मेरे को वो था कौन? मुझे क्यों पूछा, मुझे क्या मालूम? तो किससे पूछो यार? उसको जाके पूछ जिसने बम फेंका, उसको पूछ। यार हम एक काम करते हैं, हम सीधे इंडिया भाग जाते हैं यार। जाएंगे कैसे? पासपोर्ट किसके पास है? पासपोर्ट तो पुलिस के पास है। अच्छा एक बात बता, अगर हम लोग रेलवे का ट्रैक पकड़ कर सीधा इंडिया भागना शुरू करें तो क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? क्या अंदाजा बता बता। तेरी बेटी है? मेरी बहन की बेटी है, 5 साल की है। बोलना क्या खबर, बोलना। जब तक हम हिंदुस्तान पहुंचेंगे तब तक तेरी बहन की बेटी की पोती की शादी हो चुकी होगी। पर यार तो फिर रास्ते में तो तोहफा लेके जाना पड़ेगा। हाँ तोहफा ले लेते। अरे चुप रहो, हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हो। सुनो भगवान हमारी मदद करने हर रूप में आता रहता है और इस बार बॉम्ब के रूप में आया। शंकर भगवान है ये? जय बम भोले शंकर भगवान। अबे हाँ बम भोले, ठीक है। अभी हमें सोचना ये है कि हम अपने आप को बेगुनाह साबित कैसे करेंगे। कैसे? अबे वही तो सोचना है। मर गए। जाओ उठा के लाओ उस सुंदर को मेरे पास। Shut up, you rat! Lie there! अरे रुको तो।
आज तो मैं तेरे दोनों हाथ पांव तोड़ के म्यूजियम में लगाऊंगा। बताओ वो कमीना कहाँ है? नहीं नहीं देखिए मुझे मत मारो आप, आपकी सॉरी सॉरी आपकी आपकी टांगे तोड़ने वाला तो लापता हो गया है साले। संभाल नहीं तो पूरी बॉडी में प्लास्टर लग जाएगा। साले लापता हो गया कि तूने उसको लापता कर दिया? बहुत चालू बनता है। उठा लो साले की टैक्सी को। उठाएंगे किसे? बहुत भारी है भाई, हम सब मिलके उठा ले। ए गोंचू, चार पहिए है ना, चला के लेके जाने का। सर सर सर, ए ए ए ए ए सियाने, जब तक तू उस मकार को मेरे हवाले नहीं करेगा ना, तेरी टैक्सी मेरे कब्जे में रहेगी। चलो ए ए ए क्या कर रहे हो? ए ए ए चलो तो। अरे मेरी टैक्सी कहां लेके जा रहे हो कमीनो? अरे मेरी टैक्सी नहीं है यार, ये भाड़े की है। अरे मेरा मालिक मुझे जान से मार देगा। अरे रुक जा। चलो 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 उठो उठो। चाय मिलेगी क्या? चाय के लिए पैसे हैं क्या? पुलिस ने गिरफ्तार किया तो क्या मैं तिजोरी लेके भागा था? एक रुपया नहीं है मेरे पास। अच्छा मेरे पास पैसे। चलो चलो उठो 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 चलो चलो। भैया कलाकार की पोटली है, पता नहीं कब पैसों से भर जाए। बाबला इधर 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 ये देख अखबार में अपनी तस्वीर छपी है यार। साला एक शौक क्या कि लंदन में आग लग गई ना, इसको खरीद ले, इंडिया जाके दिखाएंगे सब लोग जल जाएंगे। ले 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 ले। मेरे पास फूटी कौड़ी है तू? अरे छोड़ यार लुखा है तू। बंटी बेटा बंटी बंटी, अखबार में हमारी तस्वीर छपी है और तू तो इतना हैंडसम दिखता है यार। तू देख 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 अखबार में अपनी तस्वीर छपी है, तेरे पास पैसा है ना, तू खरीद। ये अपनी तारीफ के साथ मेरी तारीफ भी पढ़ना है। क्या लिखा है देख ना, बता ना। इसमें हम तीनों का नाम लिखा है। तीनों का नाम लिखा? हाँ। कोई बात नहीं, पढ़ तो सही। क्या लिखा है यार? मैंने सब कुछ पढ़ लिया, तुम लोग साइड में चलो मैं बताता हूँ। और मुंह और मुंडी नीचे रख के चलो। चलो क्या हुआ? क्या लिखा? चलो ना। अरे फिर से क्या हो गया? जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या हुआ? उसमें लिखा था कि जाने माने बिजनेसमैन विक्रम चौहान का हम तीनों ने खून किया और फरार हो गए। और भी तारीफ लिखी है, उसमें लिखा है कि हमारी गैंग ने पुलिस कार के अंदर बॉम्ब डाल के हम तीनों को वहां से भगा दिया। हमारी गैंग और हमको पता भी नहीं है यार। हाँ, और वो जो पुलिस कमिश्नर है उसने ऑर्डर दिया है कि जहां भी हम तीनों नजर आए ठोक दे हमको। मशहूर होना था ना, हो गए मशहूर। चलो अभी यहां से चलो। बॉस वो दोनों बच गए। क्या? और एक और बुरी खबर है बॉस। क्या? उनके साथ एक और आदमी भी था। कौन था वो? देखने में तो उनका बॉस लग रहा था। अच्छा, लेकिन बॉस एक अच्छी खबर भी है। क्या? वो दोनों खुफिया पुलिस नहीं है, वो लोग आतंकवादी है और उनका एक बहुत बड़ा गैंग भी है। ये सब मैंने टीवी और अखबार में देखा, अगर आप चाहो तो आप भी देख लो न्यूज़पेपर। ये वाला अबे बेवकूफ, ये आतंकवादी नहीं, ये खुफिया पुलिस ही है। अरे देखा नहीं, आते हैं पुलिस के साथ, जाते हैं पुलिस के साथ, वो भी पैदल नहीं पुलिस की कार में। अरे बेवकूफ समझा है मुझे। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। ये उन लोगों की एक नई चाल है ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं और वो लोग हमें रंगे हाथ पकड़े। मनु भाई गांधी हियर। सॉरी सॉरी शेरखान जी, आई एम सॉरी। नहीं नहीं शेरखान जी, आपकी बार कोई गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। नहीं 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 नहीं, इस बार पुड़िया की डिलीवरी देने मैं खुद आऊंगा, बस एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। ओके थैंक यू वेरी मच। क्या हालत हो गई है? ये लो आखिरी बार दाल रोटी खा लो। आखिरी बार क्यों भाई?
क्योंकि मेरे पास अभी थोड़े ही पैसे बचे हैं। तुम लोगों के पास पैसे हो तो तुम लोग मंगा के खा लेना। अरे मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है यार। तो यूं भिखारियों की तरह मरो जब तक बेगुना साबित नहीं होते। तो कैसे साबित करेंगे कि हम बेगुना हैं? कैसे? एक मिनट, एक तरीका है। अगर हम विक्रम के घर जाते हैं जहाँ मुन्नी जल के मरी, वहाँ पर मुन्नी जल के मर चुकी है और विक्रम थिएटर में मर चुका है, तो वहाँ पर जाकर करेंगे क्या दोनों का श्राद्ध? देख, मैंने और सेठ जी ने मुन्नी को देखा है, इसका मतलब मुन्नी जिंदा है। लेकिन मैंने उसको नहीं देखा ना, इसका मतलब वो नहीं है। और मैंने जिसको नहीं देखा ना वो है, ऐसा मैं मानता ही नहीं। तूने जापान देखा है? नहीं। तो मतलब जापान नहीं है, है ना? नहीं, मैंने जापान की तारीफ सुनी है। हम लोग के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। हाँ। पहला रास्ता ये कि हम लोग विक्रम के घर जाते हैं, वहाँ पता करते हैं, या कोई सबूत मिल जाए हम लोग को, कोई कुछ कुछ भी मिल जाए जिससे ये साबित हो जाए कि हम लोग बेगुनाह हैं। ओके, दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये कौन सी लिपि है? ये उल्टा है ये। कुछ मिला क्या? मैं तो पहले ही बोला था यहाँ कुछ मिलने वाला। 24, 2611, 4179। कुछ नहीं है, बिल्ली है बिल्ली। ये जो है ना, ये लड़की के कपड़े का नहीं, उसके तंबू का नाम लग रहा है मुझे। नहीं, ये फास्ट ट्रैक ट्रैवल एजेंसी का नंबर है और ये मुन्नी ने लिखा है। तेरे को कैसे मालूम? जब वो लिख रही थी तो उसके बगल में बैठा था चिपक के। नहीं नहीं नहीं, ये तू ध्यान से देख, ये देख, फास्ट का जो एफ है ना, ये उल्टा लिखा हुआ है और मुन्नी हमेशा अपना एफ उल्टा लिखती थी। मैंने खुद रिहर्सल में देखा है। सुना मालिक, मुन्नी एफ उल्टा लिखती थी? तो 100% ये मुन्नी ने लिखा है। हाँ तो मुझे लगता है वो इंडिया गई होगी। तो हम लोग भी इंडिया जाएंगे? तो क्या पाकिस्तान जाके वहां से देखे? अरे अपने को जाना पड़ेगा फास्ट ट्रैक ट्रैवल एजेंसी में अभी। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, सर, इज देयर एनी बुकिंग मेड टू इंडिया फॉर अ नेम कॉल्ड निशा? एनी गर्ल? आई एम सॉरी सर, वी डोंट डिस्क्लोज द पैसेंजर इंफॉर्मेशन, इट्स अगेंस्ट कंपनी पॉलिसी। सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम सॉरी बट आई कांट हेल्प यू। ये अंग्रेज है, कभी हेल्प नहीं करेगा। अंग्रेजों से तो पूछना ही पागलपन है, बेकार है। कुछ और पूछे तो कुछ खुद ही बात करेगा। बोल ना, क्या दिया यार, आदमी कुछ नहीं बताने का। चलो यार, लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब कुछ नाटक करते हैं ना। ओ मेरी बेटी, चाचा, मेरी माँ। चाचा क्या हो गया? चाचा, 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 ओ माजी, माजी पानी दो, डॉक्टर, पुलिस। व्हाट हैपेंड? अरे कोई तो कुछ करो। अब क्या बताऊं मामू, इनकी जो बेटी है इनके साथ छोटा सा झगड़ा हुआ, उसके ऊपर छोड़ के चलेगी। अब पता नहीं लड़की कब आएगी। गुरुदेव, उर्दू में बोलो। अरे इधर आना, इसको संभालना इधर। व्हाट? बड़े ना समझो के सर, आई विल टेल यू, प्लीज कम हियर फॉर अ सेकंड सर। दिस गाय हैड अ फाइट विद हिज सिस्टर, दे हैड एन आर्गुमेंट एंड शी लेफ्ट द हाउस एंड शी इज गॉन अवे सर, एंड नाउ वी आर थिंकिंग दैट शी मस्ट हैव गॉन टू इंडिया। So that's we thinking that she must have done a booking here. You know, it's really, really do it for him, right, sir. Poor family, sir. I'll check it out. I'll see what I can do. Right. If you can, this is yours. Right. क्या हुआ? बताता है कि नहीं? अच्छा, अच्छा आ जाएगी, आ जाएगी शाम तक, आ जाएगी। निशा, NISHA. No, there's no Nisha. Sir, her nickname is Munni, MUNNI, Munni. Nope. Any other Indian girl name from here to Delhi or Mumbai, anywhere in India, sir? I'm afraid there isn't, no. All right, sir. Thank you. मेरी बेटी, मेरी बेटी। अरे बहन है यार, नहीं। चलो अपना खानदान मत खड़ा करो, चलो, चलो ओवर एक्टिंग मत करो, चलो यहाँ से, चलो कुछ नहीं हो। Oh, excuse me, sir. There is a booking, but not in the name of Nisha. The name's Aditi. She's traveling on the 27th. Excuse me.
Can you see if there's any contact number or any kind of address or something? Right. You know, just... There is a number. It's 0207-745-1234. All right. Long live Britishers. Long live Britishers. क्यों बे चोर? जब तेरे को मालूम है उस लड़की का नाम अदिति नहीं है तो तूने उसका नंबर क्यों लिया बे? क्यों नहीं हो सकता उसका नाम अदिति? हाँ, जब उसका नाम मुन्नी हो सकता है, निशा हो सकता है, तो अदिति क्यों नहीं हो सकता? तो न जाने कितनी अदिति गोमती मधुमती भानुमती लंदन से भारत जाती रहती, तो हर किसी लड़की को झंझाड़ झंझाड़ के पूछोगे कि तुम निशा हो के नहीं? अरे चंपक सेठ, बोलो ना इस बेवकूफ को, वो लड़की मर चुकी है, वो है ही नहीं। मैंने देखा है उसको यार। ओहो, मैं तो भूल गया कि आपने भी उसको देखा है। उसको देखा है जो है ही नहीं। जाओ जाके ढूंढो, ढूंढो उस लड़की को, वो जो मर चुकी है, वो है कि नहीं। और कोई काम धंधा है तेरे पास तो पता करने में क्या तकलीफ है? मैं जा रहा हूँ ढूंढने, तेरे को चलना चल, नहीं तो तेल लेने क्या? तू चलना। क्या हुआ? अरे यार, वो बाबू का नंबर है व्हाइट हाउस करके, और वहाँ जो आदमी काम करता है उसने बताया कि है एक हिंदुस्तानी लड़की जो वहाँ काम करती है और शाम को 5 बजे आने वाली है। शीतल नाम है उसका। शीतल शाम को 5 बजे आया, शीतल रात को 12 बजे आया। शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? हाँ। नहीं नहीं, अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना? अरे तो फिर अदिति कौन है? निशा है। चुप रहे यार तुम लोग, चुप रहे। ये शीतल, निशा, अदिति, ये जो भी है यार, ये सब एक ही लड़की का नाम है यार। ये बहुत ही खतरनाक लड़की है, नाम तो ऐसे बदलती है जैसे कपड़े बदल रही है। मैं बोलता हूँ कसम से इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा। अरे इस महानुभाव को बोलिए कि ये बात पुलिस में जाकर कैसे साबित करेगा। ए करूंगा, तू सोचना बंद कर और चिल्लाना बंद कर। मैं जाता हूँ कमिश्नर को बोलता हूँ कि देखो हम लोग बेगुनाह है, हमको मिल गई लड़की जो खूनी है, और शाम को हम उसको जाके सौंप देंगे। ठीक है? ओके ओके। एक बात बताइए, ये मुन्नी कौन है? निशा। तो अदिति कौन है? शीतल है। तो शीतल क्या हुई? उसको पूछना यार, मेरे को क्यों पूछ रहे हैं यार? झूठ बोल रहे हो तुम लोग, बकवास कर रहे हो। अगर बेगुनाह होते तो तुम लोग भागते नहीं, सीधे मेरे पास आ जाते। सर सर, वो लड़की जो मर गई है ना सर, वो हमको शाम को मिलने आ लिए। आप उधर आइए सर, वो लड़की हम आपको सौंप देंगे सर, आप आइए सर। हेलो हेलो, क्या बोल रहे हो तुम लोग? जरा लाउडली बोलो। टैप माय फोन एंड इन्फॉर्म मी वेयर दे कॉलिंग फ्रॉम ऑन द रेडियो। ओके यस सर। सर हेलो सर, मेरी बात सुनिए सर। मेरी बात सुनो, अपना गुनाह छुपाने के लिए और झूठ मत बोलो। नहीं सर, हम पुलिस स्टेशन में नहीं आएंगे। नहीं, नहीं, मेरे को मालूम है, हम लोग पुलिस स्टेशन में आएंगे आप लोग हमें गोली मार दोगे। सर सर, हेलो हेलो सर, कैन यू हियर मी? स्टॉप द कार, प्लीज स्टॉप, स्टॉप हियर। There should be somebody here. Cover the whole area. Yes.